भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पिछले कुछ दिनों से ईशान युवाओं के संग नूरपुर को कोविड फ्री करवाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। ये 20 साल का युवा रोज कुछ न कुछ ऐसा करता है कि पूरे नूरपुर को इस पर गर्व हो जाता है। आज इसने कुछ ऐसा करने की ठानी है जो शायद आज तक इस उम्र में किसी ने न किया हो। नूरपुर में बने 50 बेड के अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्स, हेल्पर व अटेंडेंट का 3 समय का खाना रोज निशुल्क उपलब्ध करवाएंगे ये युवा। ये देखकर बड़ों बड़ों को हैरानी है कि इतनी सी उम्र में पूरे शहर को सैनिटाइजर करना, कोविड मरीजों के घर घर खाना पहुंचाना और अब अस्पताल के स्टाफ की इतनी बड़ी जिम्मेदारी बिना किसी नेता और स्पॉन्सर के इतनी उम्र में अपनी जान से खेलकर करना एक बहुत बड़ी बात है। ईशान महाजन ने बताया कि बड़ों के आशीर्वाद से अपने परिवार, युवा और प्रशासन के साथ मिलकर वह ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने को तैयार है, जिसमें वह कोरोना वॉरियर को 3 समय खाना खिलाएंगे और वह किसी भी चीज की कहीं भी कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने नूरपुर वासियों से उनका आशीर्वाद मांगा है और साथ में सभी को घरों में सुरक्षित रहने को बोला है। ऐसे में SDF नूरपुर ने भी ईशान और उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि हमें युवाओं पर गर्व है और पूरा प्रशासन इनके साथ है। आज हमने अपनी टीम के साथ बैठकर ये निर्णय लिया है कि सिविल हॉस्पिटल नूरपुर, जहाँ पर 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बन रहा है, उनके साथ जो भी अटेंडेंट आएंगे उनको हम निःशुल्क 3 समय का खाना प्रोवाइड कराएंगे और साथ में जो हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर के लिए स्टाफ आया है उनको भी, डॉक्टर्स, नर्सिस प्लस हेल्पर जितना भी स्टाफ होगा उन्हें भी हम 3 समय का निःशुल्क खाना दिलवाएंगे। प्रशासन के साथ हम रोज जुड़े हैं, साथ हैं, सरकार के साथ हैं। जैसा जैसा हमें निर्देश दिए जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि उस पर खरा उतरे और अपनी तरफ से इस मुसीबत की घड़ी में पूरा सहयोग करें। व्यवस्था कहाँ पे दी गई है दुकान की? ये हम वार्ड नंबर 3 कमेटी हॉल को हमने स्ट्रॉन्ग एरिया बनाया है। वहाँ पर जो शेफ आएंगे वो भी टेस्ट करा कर आएंगे और वो उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और साथ में जो हमारे युवा साथी होंगे वो भी, मैं खुद अब वहीं पे रहूँगा मैक्सिमम और जो हो सकेगा हम करेंगे, बिल्कुल सेफ और सैनिटाइज रेगुलर किया जाएगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।